सुप्रभात बच्चों, बेटा आज हम व्याकरण का एक विषय दोहराने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रिया। क्रिया हम बेटा पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको पता है क्रिया क्या होती है। क्रिया का अर्थ है किसी काम का करना या होना। ठीक है, ध्यान से देखो, किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। ठीक है, किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। अब देखो, यहां पर दो शब्द हैं, एक है करना और एक है होना। जब हम कोई काम करते हैं, जैसे मैं बोल रही हूं, मैं लिख रही हूं, आप सुन रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। कोई भी काम, खाना पीना, सोना उठना, जागना, रोना, कोई भी काम। और काम का होना मतलब जो काम नेचुरली होता है। फूल उगते हैं, सूर्य निकलता है, कलियां महकती हैं, जो काम प्राकृतिक रूप से होता है। काम का करना मतलब जिसे सजीव वस्तु, सजीव मतलब हम लिविंग बींग्स जिन्हें करते हैं, और काम का होना जो प्राकृतिक रूप से होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। बेटा हमने पहले भी पढ़ा था, क्रिया के हमने दो भेद किए हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सबसे पहले तो बेटा इसको जो लिखना है, इसके जो स्पेलिंग्स हैं वो ध्यान में रखिए। अकर्मक, क के बाद आप र नहीं लिखेंगे, म के ऊपर रेफ की मात्रा आएगी। अकर्मक और सकर्मक दो भेद हमने किए हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अकर्मक मतलब ऐसी क्रिया जो कर्म के बिना है। ठीक है, और सकर्मक जो क्रिया कर्म के साथ है। अ मतलब बिना, स मतलब साथ। अब कर्ता आपको पता है और क्रिया भी आपको पता है। कर्ता मतलब जो व्यक्ति काम कर रहा है। ठीक है, जैसे चिड़िया चुगती है, चिड़िया चुगती है, राइट, चिड़िया चुगती है, काम कौन कर रहा है? चिड़िया। तो चिड़िया क्या है? कर्ता। ठीक है, चुगना क्या है? क्रिया, राइट। अब इसमें कर्म नहीं है कहीं भी। ठीक है, चिड़िया करता है और चुगना क्रिया है। एक कर्ता और एक क्रिया मतलब अकर्मक क्रिया जहां पर कर्म नहीं है। सकर्मक क्रिया, अगर इसी वाक्य को हम सकर्मक में देखते हैं तो कैसे बन सकता है? चिड़िया दाना चुगती है। ठीक है, यहां पर है चिड़िया कर्ता, चुगती क्रिया। ठीक है, अब कर्ता और क्रिया के अलावा एक और शब्द है दाना। चिड़िया क्या चुगती है? दाना चुगती है। ठीक है बेटा, अकर्मक और सकर्मक की एक और पहचान क्या आप ले सकते हैं? दो प्रश्न होते हैं, क्या और किसको। यदि आपको क्या या किसको दोनों में से एक का भी उत्तर मिल जाता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। अब यहां पर वाक्य देखो, चिड़िया चुगती है, क्या हमें क्या का उत्तर मिल रहा है? चिड़िया क्या चुगती है? उत्तर नहीं मिला। चिड़िया किसको चुगती है? उत्तर नहीं मिला। मतलब यहां पर अकर्मक क्रिया। अगर इस वाक्य को हम देखते हैं, चिड़िया दाना चुगती है, चिड़िया क्या चुगती है? दाना चुगती है। हमें क्या का उत्तर मिल, का उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन क्या का उत्तर मिल गया। ठीक है, तो यहां पर सकर्मक क्रिया होगी। हमें एक बात का ध्यान रखना है, जहां पर केवल कर्ता और क्रिया हो वहां अकर्मक क्रिया, जहां कर्म भी आ जाए आप इसको क्या और किसको के साथ लगाकर देख सकते हैं। अगर आपको दोनों में से किसी एक का भी उत्तर मिल जाता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया। ठीक है, इसके अलावा बेटा हमारे पास दो भेद और हैं, वो है
ठीक है, द्विकर्मक जहां दो कर्म हमें मिल जाए। अभी मैंने बात की थी क्या और किसको की, अगर आपको क्या और किसको दोनों में से किसी एक का उत्तर मिल रहा है तो वहां पर सकर्मक क्रिया, लेकिन जब आपको इन दोनों का उत्तर मिल जाए तो वहां पर द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, उदाहरण लेते हैं, माता जी ने बच्चे को उपहार दिया। ठीक है, माता जी ने बच्चे को उपहार दिया, यहां पर एक कर्ता हो गया माता जी। ठीक है, क्रिया क्या है, देना। अब यहां क्या दिया, किसको दिया, क्या दिया, उपहार दिया, किसको दिया, बच्चे को दिया, दो कर्म हो गए, तो यहां पर क्या है, द्विकर्मक क्रिया। बेटा अगला खेल है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया है जहां पर कर्ता स्वयं काम ना करके किसी से काम करवाता है। ठीक है, जैसे पिताजी ने दवाई मंगवाई, पिताजी ने दवाई मंगवाई। अब पिताजी ने स्वयं दवाई नहीं खरीदी या दी, स्वयं दवाई ना लाकर उन्होंने दवाई मंगवाई, खुद काम ना करके उन्होंने किसी से काम करवाया, पिताजी ने दवाई मंगवाई, इससे यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं बेटा, उससे हमें चारों भेद क्लियर होंगे। दादी ने पकाई, ओके, दादी ने पकाई, दादी ने खीर पकाई, ओके। अब यहां पर दादी ने पकाई, क्या पकाई, किसको पकाई, हमें उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये है अकर्मक क्रिया। जब हमें पता चला कि दादी ने खीर पकाई, क्या पकाई, खीर पकाई, तो सकर्मक क्रिया, ओके। ठीक है, दादी ने खीर पकाकर बच्चों को दी। अब दादी ने, दादी क्रिया, दी दादी कर्ता, दी क्रिया, यहां पर क्या पकाकर, खीर पकाकर, क्या का उत्तर मिल गया, किसको दी, बच्चों को दी। ठीक है, हमें क्या और किसको दोनों का उत्तर मिल गया, इसलिए यहां पर द्विकर्मक क्रिया। राइट, एक और उदाहरण देखते हैं, दादी ने खीर पकवाई। अब दादी ने खुद खीर ना पकाकर किसी से पकवाई, खुद काम ना करके किसी से काम करवाया, इसलिए यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है बेटा, अकर्मक क्रिया जहां कर्म नहीं है, सकर्मक क्रिया जहां एक कर्म है, द्विकर्मक क्रिया जहां दो कर्म है, और प्रेरणार्थक क्रिया जहां पर कर्ता स्वयं काम ना करके किसी से काम करवाता है। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ में आया होगा, चारों भेद समझ में आए होंगे। आपको मैं एक अभ्यास पत्रिका भेजूंगी, कुछ वाक्य भेजूंगी, जिसमें आप क्रिया का भेद लिखेंगे, अपनी कॉपी में करेंगे, और बेटा कॉपी जांच के लिए आप मुझे भेजेंगे। धन्यवाद बेटा।